हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी ए के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिक। दोस्तों, एग्जाम आ चुकी है पास में और आप देख रहे हो क्वेश्चन बैंक। यस, के सी इज द प्लेटफॉर्म जहां पे आपको हर चीज, हर रिक्वायरमेंट कंप्लीट की जाएगी। स्टूडेंट्स, टी वाई बी कॉम सेमिस्टर नंबर 6 एस पी पी यू, दैट इज सावित्री बाई फुले पुणे के स्टूडेंट्स, अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में बैंकिंग एंड फाइनेंस लिया हुआ है तो आपके लिए ये सेशन बना हुआ है। सब्जेक्ट नंबर 366B बैंकिंग एंड फाइनेंस 2, ये जो सब्जेक्ट है इसके क्वेश्चन बैंक पेपर लीक करने के लिए आपके सामने आए हैं। यस बच्चों, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के चांसेस जोरदार है। आप कम से कम अगर टाइम लिमिटेड इतना भी पढ़ के जाओ तो भी आपका एग्जाम में डेफिनेटली पास तो हो ही जाओगे। यस बच्चों, आपकी नैया पार हो जाएगी, वो हिसाब से क्वेश्चन बैंक आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बट स्टूडेंट्स, एक बार एकदम क्लियर कर दूं कि ये क्वेश्चन बैंक मतलब ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक नहीं है, इसके बाहर कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। इट इज जस्ट गाइडेंस फॉर यू कि अगर आपके पास टाइम लिमिटेड है, आप पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो, तो प्रेफरेंस ये चीजों को दीजिए। ओके, इट सिंपली मींस कि अगर आपके पास टाइम कम है तो हम जो टॉपिक आपको बता रहे हैं इस चीजों को अगर आप प्रेफरेंस दोगे तो आपके लिए बेहतर होगा, ये एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटीज ज्यादा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आते हैं अपने पेपर लीक पे, दैट इज क्वेश्चन बैंक पे। तो बच्चों, टी वाई बिकम सेमेस्टर 6 बैंकिंग एंड फाइनेंस 3, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है साइबर क्राइम्स इन बैंकिंग। तो प्रीवियस एग्जाम में बच्चों, हर एग्जाम में इस पे क्वेश्चन ऑफ कोर्स आया हुआ है। शॉर्ट नोट्स देखो, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क के शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसर में 8 मार्क्स या फिर 7 मार्क्स, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर प्रीवियस क्वेश्चन का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम्स यू विल सी कि हर बार 8 या 7 मार्क के लिए क्वेश्चन आया हुआ है, ऑलमोस्ट एवरी टाइम। शॉर्ट नोट्स तो है ही है, अगर आप देख सकते हो अक्टूबर अप्रैल 2022 में दो शॉर्ट नोट्स भी है और 8 मार्क का क्वेश्चन भी है। अक्टूबर 22 में शॉर्ट नोट्स भी है, 8 मार्क का क्वेश्चन भी है। अप्रैल 23 में शॉर्ट नोट्स भी है और क्वेश्चन भी है 7 मार्क का। तो बच्चों, हर क्वेश्चन आपको आने वाला है, ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर का क्वेश्चन, दो क्वेश्चन रहेंगे एवरी चैप्टर के, एक शॉर्ट नोट्स में और एक लॉन्ग आंसर में। लेकिन कई बार ऐसे भी हुआ है कि 4 शॉर्ट नोट जो पूछे हैं वो जरूरी नहीं कि 4 अलग अलग चैप्टर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 के ही 2 शॉर्ट नोट है यहाँ पे, तो ऑल चैप्टर्स के है ही नहीं। बट हाँ, जो नीचे लॉन्ग आंसर वाले वो 4 क्वेश्चन 4 चैप्टर से आएंगे, कन्फर्म है। 8 मार्क या 7 मार्क वाले जो भी क्वेश्चन है, ऑफकोर्स याद रखना वो 4 चैप्टर से ही 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। और सबसे मजक की बात तो ये है कि हर क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है, एवरी क्वेश्चन इज कंपलसरी, देर इज नो एनी ऑप्शन, यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। कोई ऑप्शन नहीं बच्चों आपके पास, यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इफ यू वांट कंप्लीट मार्क्स। आई विल शो यू द क्वेश्चन पेपर, फॉर एग्जांपल अभी अप्रैल 22 का जो सामने है वही दिखा देता हूँ क्वेश्चन पेपर आपको, रैंडमली आपको समझना चाहिए पेपर पैटर्न इसके लिए। तो स्टूडेंट्स, 50 मार्क का पेपर है, 2.5 घंटे का, 5 मार्क के फिल इन द ब्लैंक्स और 5 मार्क के मैच द फॉलोइंग, तो ऐसे 10 मार्क हो गए, डन। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स, 4 में से 2 लिखने हैं जो 10 मार्क के लिए है। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे चारों के चारों क्वेश्चन 4 चैप्टर से बिलोंग नहीं कर रहे, तो ऐसा भी हो रहा है कई बार। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जिसमें एक क्वेश्चन 8 दूसरा 7 8 7 ऐसे 15 15 वाक्य, तो एवरी क्वेश्चन इज कंपलसरी, देर इज नो एनी ऑप्शन। बच्चों, आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, मतलब आपका अगर लॉजिक होगा कि 4 में से 1 चैप्टर आराम से छोड़ देंगे तो इस सब्जेक्ट में नहीं चलेगा, छोड़ के 4 चैप्टर आपको करने पड़ेंगे इस बार, इस चैप्टर के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए। इवन देखा जाए तो 70 मार्क का पेपर जब होता था तब हम एक चैप्टर ऑप्शन में डाल देते थे, लेकिन ये 50 मार्क का पेपर होके भी कुछ ऑप्शन में नहीं डाल सकते क्योंकि पैटर्न ही ऐसा है। शॉर्ट नोट्स में तो चलो दिक्कत नहीं आएगी, आपने कोई टॉपिक छोड़ भी दिया तो शॉर्ट नोट्स में बाकी कोई ऑप्शन में है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन नहीं है। 8 7 8 7 एवरीथिंग इज कंपलसरी। ठीक है, तो बैक टू द पॉइंट, अपना जो चल रहा था पार्ट, इधर गया भाई, हाँ, फर्स्ट चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, इसमें हैकिंग पे क्वेश्चन पूछा गया था शॉर्ट नोट्स के लिए, साइबर क्राइम में हैकिंग इज इम्पोर्टेंट। IPC 20 इंडियन पिनल कोड, एक्चुअली कोड टू है वहाँ पे, गलती से इंडियन पिनल कोड है वो 420, तो ये 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था। और टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, ये 8 मार्क्स के लिए पूछा गया था। बच्चों, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम एक बार ठीक से आपको बता दूँ, 2 अलग अलग क्वेश्चन में डिफरेंस है। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम अलग है और टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम इन बैंकिंग अलग है, ये 2 क्वेश्चन अलग अलग है। ओके, एक बार एक क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए पूछा गया, दूसरा वाला 7 मार्क्स के लिए। बिल्कुल भी कन्फ्यूजन मत करना, दोनों भी आपके क्लियर होने चाहिए। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम रिपीटेटिवली आने के चांसेस जोरदार है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम आप कर लो तो उसका बेनिफिट क्या होता है बच्चों,
पहली बात तो ये 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आप लिख पाओगे टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। दूसरी बात, हैकिंग या फिर वायरस अटैक, ये जो आप चीजें देख रहे हो ना, इट इज अ पार्ट ऑफ साइबर क्राइम। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम कर लिया तो उसी का पार्ट ही है, तो ये बाय डिफॉल्ट आप लिख पाओगे। रीजन, रीजन ऑफ साइबर क्राइम, तो नॉर्मली साइबर क्राइम रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें एक आता है टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम इन बैंकिंग, उसके साथ साथ रीजन फॉर साइबर क्राइम और कंट्रोल सिस्टम, सॉरी मेजर टू कंट्रोल द साइबर क्राइम। लेकिन मेजर अब तक नहीं पूछा है, तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, मेजर टू कंट्रोल द साइबर क्राइम इन बैंकिंग। व्हाट इज द सोल्यूशन, मतलब सपोज ये तो समझ गया साइबर क्राइम बढ़ रहा है बैंकिंग में, बट व्हाट इज द सोल्यूशन, तो मेजर टू कंट्रोल द साइबर क्राइम इन बैंकिंग, ये क्वेश्चन मुझे पर्सनली लगता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ये आपको आने के चांसेस जोरदार है, 8 मार्क के लिए आ सकता है ये वाला, 8 या 7 मार्क के लिए, वॉट एवर ये आएगा आपको, ठीक है। रीजन दो बार पूछा गया है, रीजन फॉर साइबर क्राइम बैंकिंग में जो साइबर क्राइम हो रहा है, रीजन दो बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट, पेइंग एंड कलेक्टिंग बैंक चैप्टर नंबर 2, तो बच्चों कलेक्टिंग बैंक शॉर्ट नोट्स के लिए पूछा गया है, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ पेइंग बैंक, ड्यूटीज ऑफ कलेक्टिंग बैंकर, राइट्स ऑफ पेइंग बैंकर, मतलब अगर आप देखोगे ना आपको जहां जहां पे ड्यूटीज और राइट्स वर्ड मिलेगा, ऐसे 3 क्वेश्चन में दिख रहे हैं हमें, 4, और चारों क्वेश्चन में अगर आप देखो, देखो ड्यूटीज एंड राइट्स किसकी है, पेइंग बैंक, राइट्स ऑफ पेइंग बैंक, ड्यूटीज ऑफ कलेक्टिंग बैंक के बाद ड्यूटीज ऑफ कलेक्टिंग बैंक। तो बच्चों याद रख लो, राइट्स एंड ड्यूटीज एग्जाम में आने के चांसेस जोरदार, एक तो पेइंग बैंक का पूछा जाएगा या फिर कलेक्टिंग बैंक का पूछा जाएगा, दोनों में से एक का ड्यूटीज एंड राइट्स आपको पूछा जाएगा, ओके। ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ पेइंग बैंक एज वेल एज कलेक्टिंग बैंक, दोनों भी आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसके पहले अप्रैल 2023 में पूछा गया था, प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल डूइंग पेमेंट ऑफ चेक, मुझे ऐसा लगता है इस बार इसका अपोजिट वाला क्वेश्चन आएगा, प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल कलेक्टिंग पेमेंट ऑफ चेक। तो इसके पहले क्या पूछा था, प्रिकॉशंस ऑफ पेमेंट ऑफ चेक, अगर चेक पेमेंट करते हुए क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, इस बार पूछा जा सकता है प्रिकॉशंस वाइल कलेक्टिंग पेमेंट ऑफ चेक, चेक कलेक्ट करते हुए क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 3, बैंकर एंड कस्टमर रिलेशनशिप, तो बच्चों बैंकर एंड कस्टमर रिलेशनशिप में गार्निश ऑर्डर, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर विथ रेफरेंस टू डेटर एंड क्रेडिटर, डेटर एंड क्रेडिटर वाला क्वेश्चन मुझे पर्सनली इस बार इंपॉर्टेंट लग रहा है, आने के चांसेस है रिलेशनशिप ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर, ये आपको शॉर्ट नोट्स के लिए पूछा जा सकता है 5 मार्क के लिए भी, ठीक है। डिपेंड्स, 8 मार्क के लिए पूछा तो ऑफकोर्स उतना डिटेल में आपको आंसर लिखना है, वेटेज के हिसाब से आपको आंसर लिखना जरूरी है, ठीक है। गार्निश ऑर्डर दो बार पूछा गया है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बैंक कस्टमर, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, टाइप्स ऑफ बैंक कस्टमर 8 मार्क के लिए, 8 या 7 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है, टाइप्स ऑफ बैंक कस्टमर, ठीक है। तो आप टाइप्स ऑफ बैंक कस्टमर करके ही जाना है, और साथ ही साथ रिलेशनशिप ऑफ बैंकर एंड कस्टमर, ये दो चीज़ें करके ही जानी है आपको, ठीक है। टाइप्स ऑफ बैंक कस्टमर एंड रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर, दिस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, बैंक एडवांसेस, बैंक एडवांसेस में बच्चों जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो तो हमने कवर किए ही यहाँ पे, टाइप्स ऑफ लोन स्कीम इन बैंक, उसके बाद लीगल मेजर ऑफ रिकवरी, टाइप्स ऑफ सिक्योर्ड लोन, लीगल मेजर ऑफ रिकवरी दो बार आया है, मोड्स ऑफ क्रिएटिंग चार्ज, जो लोन लिया जाता है उसके अगर जो चार्जेस क्रिएट किए जाते हैं हाइपोथिकेशन वगैरह जिसे हम बोलते हैं, तो उसके मोड्स। नेक्स्ट गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टिंग सिक्योरिटी, एंड लास्ट नॉन लीगल मेजर ऑफ रिकवरी। बच्चों नॉन लीगल वाला मैंने ऐड किया है, इसके पहले जो क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जाम में वो लीगल मेजर पूछे गए रिकवरी के, तो मैंने नॉन लीगल मेरे हिसाब से ऐड किया, मुझे लगता है नॉन लीगल वाला क्वेश्चन आएगा। और दूसरा टाइप्स ऑफ सिक्योर्ड लोन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ओके। और टाइप्स ऑफ लोन अगर आप कर लो तो टेंशन नहीं, सब कुछ कवर हो जाएगा। तो अगर टाइम लिमिटेड है आपके पास तो एटलीस्ट टाइप्स ऑफ लोन स्कीम वाला पार्ट कर लेना, और नॉन लीगल मेजर्स या फिर लीगल और नॉन लीगल दोनों भी मेजर जो है रिकवरी के वो अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो टाइम लिमिटेड भी रहा तो स्मार्टली काम करो बच्चों, डिफेंट यू विल गेट द गुड रिजल्ट इन लिमिटेड टाइम ऑल्सो, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ, अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद केकेसीए, टेक केयर, बाय बाय।